नमस्कार, आप देख और सुन रहे हैं राजस्थान आज तक। एक चीज़ आप नोट कीजिएगा, अक्सर हम जब ट्रैफिक में रुकते हैं, सिग्नल पर रुकते हैं, लाल बत्ती होती है, हम रुक जाते हैं, लेकिन हरी बत्ती होते ही इस कदर हॉर्न बजने शुरू होते हैं कि सिर खराब हो जाता है। ऐसा लगता है कि कोई हमारे ऊपर चढ़ जाएगा और हॉर्न ऐसे बजाते हैं जैसे बस अब एक मिनट और हम नहीं सरके, एक सेकेंड नहीं सरके तो पीछे वालों की सांस निकल जाएगी, लोग मर जाएंगे। थोड़ा सा सब्र कीजिए, समझदारी कीजिए, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल को दो चार घंटे के लिए बंद नहीं होता है, एक मिनट डेढ़ मिनट के लिए होता है। उसमें अगर एक लेयर आगे जो खड़े हैं वो आगे निकल रहे हैं तब तक आप थोड़ा सब्र कीजिए, और अगर बंद हो भी गया, वापस से लाल बत्ती हो गई, तो एक या सवा मिनट डेढ़ मिनट फिर रुकना होता है। क्या इतना नहीं रुक सकते आप? इस कदर हॉर्न बजाने का नुकसान आप समझते हैं? किसी समझदार डॉक्टर से पूछिएगा, वो बताएंगे कि हॉर्न इस कदर बजाने से कानों के पर्दों को कितना नुकसान होता है, दिल पर कितना नुकसान होता है, दिमाग पर कितना असर पड़ता है। पहला असर सबसे पहले आप ही पर पड़ेगा जब आप अपनी गाड़ी का हॉर्न बजाएंगे। कई लोग तो हॉर्न पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं, पी 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 पौ पौ। समझिए यार, आप पढ़े लिखे समझदार हैं तब आपने गाड़ी खरीदी, यहाँ तक आए हैं आप लोग, तो क्या एक डेढ़ मिनट का सब्र नहीं कर सकते? और कई बार तो ऐसा होता है कि सिग्नल अभी बत्ती हरी होने वाली है, हुई नहीं है, उससे पहले पीछे से हॉर्न बजने शुरू होते हैं कि बस होने वाली है, जल्दी करो, आप आगे बढ़ जाओ। कई बार तो ऐसा होता है कि बत्ती हरी होने वाली है, उससे पहले पहले लोग रवाना हो चुके होते हैं। वो बत्ती लाल से हरी हो तब तक आधा रास्ता पार कर चुके होते हैं। इतनी क्या उतावली है यार, मुश्किल से एक सवा मिनट। और कई बार तो आप निकले, सवा मिनट हुआ, खत्म हुआ, आप सबसे आगे लेयर में है। अब जब भी हरी बत्ती होगी आप सबसे पहले निकलेंगे, तो उतना सब्र नहीं कर सकते? ऐसा नहीं करने से कई बार दुर्घटनाएं होती है, मौत हो जाती है। अभी दो दिन पहले एक नगर निगम की अनुबंधित जो ट्रक थी उसका ड्राइवर मात्र लाल बत्ती नहीं हो जाए उससे पहले तेज गति से गाड़ी दौड़ा लूं, मैं आगे निकल जाऊं, जल्दी निकल जाऊं, फिर ट्रैफिक में कहीं एक मिनट रुकना नहीं पड़ जाए, इसलिए उस बंदे ने एक व्यक्ति की जान ले ली। तेज गाड़ी चलाई, अचानक सामने से एक बंदा आया और उसके ऊपर चढ़ गया, व्यक्ति की मौत हो गई। किसी का पिता, किसी का भाई, किसी का बेटा चला गया आपका एक मिनट आधा मिनट नहीं रुकने की वजह से। क्या इतनी सब्र नहीं है? क्या आप इंसान नहीं है? कई बार आप देखिए गायें तक रुक जाती है ट्रैफिक में, जब ज्यादा हॉर्न देते हैं तो गायें घबरा कर रुक जाती है। क्या आप घबरा कर रुकना नहीं चाहते? क्या आप समझदार नहीं है? क्या आपको नहीं लगता कि आपका जीवन अपने परिवार के लिए महत्वपूर्ण है, या आप तेज भागेंगे तो सामने कोई मर जाएगा, उसका जीवन महत्वपूर्ण है? थोड़ा सा सब्र करना सीखिए प्लीज, एक डेढ़ मिनट आधा मिनट रुकना सीखिए, इतने हॉर्न मत दीजिए। हॉर्न देने से शरीर को नुकसान होता है, वातावरण में बहुत सारा वायु प्रदूषण होता है, पूरे शहर को नुकसान होता है, आपके अपनों को नुकसान होता है, और तेज गति से भागने के चक्कर में, हड़बड़ाहट में आप किसी की जान ले लेते हैं, कभी आपकी जान चली जाती है, कभी आपके हाथ पांव टूट जाते हैं। सरकार पर भी ये बोझ बनता है जब आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपके इलाज में इतने सारे डॉक्टर लगते हैं, दवाइयाँ लगती है, समय लगता है। समझिए इस बात को, एक तरह से अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, हॉर्न नहीं बजाते हैं, हड़बड़ाहट नहीं करते हैं, लाल बत्ती पर दौड़ने की कोशिश नहीं करते हैं, तो समझिए आप देश की सेवा कर रहे हैं। देश की सेवा केवल फौजी बॉर्डर पर खड़े होकर ही देश की सेवा नहीं करते, आप समाज में रहकर देश की सेवा कर सकते हैं, तो प्लीज़ ऐसा कीजिएगा। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि ट्रैफिक पर इतने हॉर्न मत बजाइए। और कई बार तो लोग बेवजह हॉर्न बजाते हैं, रास्ता खाली करो, हम जा रहे हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हो भाई? किसी भी ऐसे शहर में जहाँ बहुत भीड़ होती है सड़क पर, वहाँ कितनी तेज गति से चला लो, आप किसी से बहुत आगे नहीं पहुँच सकते। कई लोग बाइक पर, कार पर हॉर्न बजाकर ही घर से निकलते हैं, पी पी पी, मतलब हमें रास्ता दो, हम मरे जा रहे हैं भागने के लिए। और देखिए आप उनको रास्ता दे भी देते हैं तो थोड़ी देर बाद देखिए अगले सिग्नल पर जस्ट आगे होते हैं आपके, थोड़ा सा आगे खड़े होते हैं, आप पीछे होते हैं, भाग कर कहाँ जाओगे? बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा पाते, इस वजह से आप अपना नुकसान कर लेते हैं और हॉर्न बजाकर वायु प्रदूषण कर रहे हैं। हॉर्न बजाना कम कीजिए, जरूरत पर ही हॉर्न बजाइए। अगर आप मोड़ पर हैं हॉर्न बजाइए, अगर आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहां आपको लगता है अचानक कोई सामने से आ सकता है, गली में से कोई निकल सकता है, तो हॉर्न धीरे से बजाइए। इतना तेज हॉर्न पर हाथ मत रख लीजिए कि वो कई घंटे गूंजता चला जाए। और घर से निकलकर ऑफिस पहुंचते समय वह पूरे रास्ते आप हॉर्न पर हाथ मत रखिए, ये आपके लिए भी खतरनाक है, शहर के लिए खतरनाक है, देश के लिए खतरनाक है। मेरी बात अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। जय हिंद, जय भारत।